सब्सक्राइब करें प्राइम लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट कॉम्पिटेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, प्राइम लर्निंग चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था व पंचायती राज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एमपी पटवारी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। यदि आप इस क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को हमारा ज्वाइन करें, वहाँ आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यदि आप वेबसाइट में पढ़ना चाहते हैं तो gktrickhindi.com में जाएं और वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ाई करते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों पहला प्रश्न है, कार्यक्रम को जिसका की लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध है केवल उन्हीं लोगों द्वारा क्रियावंती किया जा सकता है, यह कथन किस कमेटी का है? तो यह इसका आंसर भी दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी का है, क्योंकि उन्होंने यह कथन दिया था। अगला सवाल, जब तक स्थानीय लोगों को जिम्मेदारी तथा अधिकार नहीं सौंप जाते, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को सिद्धांतों का राजनीतिक तथा विकास संबंधित लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, यह कथन किस कमेटी का है? तो यह कथन भी दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी का है। अगला सवाल है, मंडल पंचायत की स्थापना किस कमेटी के सिफारिश पर हुई? तो इसका आंसर है अशोक मेहता कमेटी के सिफारिश पर हुई। अगला सवाल, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण की शुरुआत करने बाल भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है दोस्तों राजस्थान, जिन्होंने सबसे पहला लोकतंत्र विकेंद्रीकरण की शुरुआत करी। अगला सवाल, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है मेयर कहा जाता है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना किस वर्ष में लागू हुई? तो इसका आंसर है 1953 ईस्वी में लागू हुई। कृषि लागत व मूल्य कहाँ आयोग स्थित है? तो इसका आंसर है मुंबई में स्थित है। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल का है? तो इसका आंसर दोस्तों गेहूं है, ये आपको पता होना चाहिए पहले से। हाल में ही विकसित टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग किस फसल में होता है? तो टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग चावल के फसल में किया जाता है। अगला सवाल, पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? तो आवश्यक तत्वों की संख्या 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है जबलपुर में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में क्या शामिल है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में कृषि कार्य, स्वास्थ्य व समाज कल्याण शामिल है। अगला सवाल, भारतीय गांवों में सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार कौन सा है? तो इसका आधार जाति है। अगला सवाल, गाँवों में स्त्रियों के निम्न सामाजिक स्थिति का क्या कारण है? तो इस स्थिति का कारण दोस्तों है अशिक्षा, बाल विवाह व पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। यदि आप इस क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को हमारा ज्वाइन करें, वहां आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगला सवाल, एक पटवारी का संबंध होता है किससे? तो पटवारी का संबंध पटवार हलके से है। मध्य प्रदेश राजस्व मंडल का न्यायिक मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका आंसर दोस्तों ग्वालियर है, जहाँ पर इसका मुख्यालय है। देश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई? तो देश में किसान क्रेडिट कार्ड का योजना यानी कि KCC योजना 1998-1999 में स्टार्ट हुई। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में स्टार्ट हुई। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। कृषि हेतु व्यापारिक बैंक किस प्रकार का लोन देती है? तो अल्पकालीन और मध्यकालीन लोन देती है। अगला सवाल, अल्पकालीन लोन की अवधि क्या होती है? तो अल्पकालीन लोन की अवधि अधिकतम 15 मंथ होती है, मध्यकालीन लोन की अवधि जबकि 15 से 5 वर्ष के बीच की होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, जो कि एमपी पटवारी के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बताते हैं। अगर वीडियो दोस्तों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं और ये वीडियो को कैसा लगा। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।